हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। तो आज की वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं, और अगर चैनल पे न्यू आती हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो इसके बाद जो वीडियो आएगी ना, वो बहुत स्पेशल वीडियो होगी, उस वीडियो को ज़रूर देखना। तो आज की वीडियो बात करते हैं हम सिम्मू रावत ब्लॉग की। तो आप लोगों को पता है कि सिम्मू बहुत दिन से एक सरप्राइज कर रही थी कि सरप्राइज है। तो उसने पहला सरप्राइज अपना बता दिया कि मेरे हस्बैंड आने वाले हैं। अच्छी बात है जब इतने टाइम के बाद हस्बैंड घर आते हैं। वैसे भी वैसे सिम्मू का हस्बैंड तो बहुत जल्दी जल्दी आ गए हैं इस बार, दो बार, क्योंकि एक बार उसको दिल्ली जाना था अपने हस्बैंड के साथ और एक बार फिर दोबारा से आ गए हैं। और जो फौज की नौकरी होती है ना, वो ऐसी होती है, बहुत डिफ़िकल्ट होती है। इतना हस्बैंड जॉब पे रहता है ना, इतने चाहे घर वाले हों चाहे वाइफ हो, उनको टेंशन लगी रहती है, क्योंकि आर्मी की जॉब जो होती है वो बहुत डिफ़िकल्ट होती है, उसमें कुछ पता नहीं होता है कब क्या हो जाए। तो वैसे भी वो हम लोगों की इतनी रक्षा करते हैं, जब भी देश वो लोग सीमा पर रहते हैं तभी हम लोग अपने घर में सुरक्षित रहते हैं। तो आर्मी फ़ैन हूँ मैं बहुत बड़ी, क्योंकि आर्मी के लोग यार बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी की जॉब होती है उन लोगों की। तो उसी बीच अब सिम्मू ने दूसरा सरप्राइज़ देना बोला था कि दूसरा सरप्राइज़ दूंगी मैं अपना। तो दूसरा सरप्राइज़ उसका निकला कि अपने हस्बैंड के साथ जाना है। तो लोग सोचते थे कि सरप्राइज़ देगी सिम्मू की आई एम प्रेगनेंट, पर सिम्मू ने लोगों के अरमानों पर पानी फेर दिया। उसने अपना जो उसने बताया गुड न्यूज, वो गुड न्यूज़ थी कि उसको अपने हस्बैंड के साथ जाना है अब। तो अच्छी बात है, एक वाइफ के लिए उसके हस्बैंड के साथ जाना बहुत ज़रूरी होता है। जब दोनों साथ में शादी करते हैं तो साथ में टाइम भी स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे होते हैं कि हस्बैंड जो सास होती हैं वो नहीं भेजती हैं हस्बैंड के साथ, लेकिन वो ये नहीं देखती कि यार तुम भी तो अपने हस्बैंड के साथ रह रहे हो और उसकी शादी हुई है, शादी का सारा टाइम घर से ससुराल में निकाल देगी, हस्बैंड वाइफ अलग अलग रहेंगे तो क्या बुढ़ापे में साथ घूमेंगे? तो अब दोनों लोग साथ जा रहे हैं, अच्छी बात है, भगवान लाइफ में बहुत तरक्की दे, बहुत आगे जाए। लेकिन जो लोगों का अरमान था कि गुड न्यूज़ मिलेगी, वो गुड न्यूज़ अभी भी रह गई है, लेकिन लोग अभी भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि सिम्मू प्रेगनेंट हो इसलिए हस्बैंड के साथ जा रही है। तो पता नहीं भाई, इस बार मैं नहीं बोल सकती कुछ भी कि प्रेगनेंट है नहीं है। जहाँ तक मेरा लगता है कि प्रेगनेंट नहीं है, क्योंकि अगर प्रेग्नेंट होती तो शायद ये वाली गुड न्यूज़ भी शेयर कर देती, तो शायद वो अपने इलाज के लिए जा रही हो, आगे और भी उसका इलाज चलना बाकी हो अभी, इसलिए जा रही हो अपने हस्बैंड के साथ। और दोनों अगर साथ में रह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, साथ में रहना भी चाहिए। हस्बैंड वाइफ अपना बहुत सारे ऐसे होते आर्मी की जॉब हो गई या होटल्स वालों की हो गई, तो वो अपनी वाइफ को मतलब साल भर में एक दो महीने के लिए मिलते हैं बस, उसके अलावा सारा टाइम अपनी जॉब में निकाल देते हैं। तो टाइम स्पेंड करना नहीं मिलता हस्बैंड वाइफ को साथ में, जबकि टाइम स्पेंड होना चाहिए साथ में। और रही गुड न्यूज बेबी वाली, तो उम्मीद है भगवान से कि वो गुड न्यूज भी जल्दी से जल्दी मिल जाएगी, क्योंकि उस गुड न्यूज का सब लोग बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं, हम लोग उनके सपोर्टर भी, उनके सब्सक्राइबर्स भी और उनके घर वाले भी, क्योंकि हर किसी को यार गुड न्यूज चाहिए। और जब सब लोग दुआ करेंगे तो भगवान जी भी जरूर उसकी झोली में ये खुशी जरूर देंगे, क्योंकि उसने बहुत कब सब कुछ सुना है प्रेगनेंसी को लेकर ना, बहुत कुछ बोला गया है, बहुत कुछ उसने सुना है। तो अब भगवान से यही दुआ करते हैं कि जल्दी से जल्दी सिम्मू अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो भगवान उसको ये वाली खुशी भी दे दे और वो जल्दी से प्रेग्नेंट हो जाए और ये वाली गुड न्यूज़ भी फिर वो शेयर करे हम सबके साथ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिम्मू ने अरमानों पर पानी फेर दिया, तो कभी ये भी बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि हस्बैंड वाइफ साथ में रहें, और जो साथ में रहेंगे तो बेबी आ ही जाएगा। तो इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं और फिर मिलते हैं आपको अच्छी से नई वीडियो के साथ। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो वीडियो होगी बहुत ज़्यादा धमाकेदार, तो उस वीडियो का वेट करना और उस वीडियो को ज़रूर वॉच करना, क्योंकि कुछ दिनों के बाद कुछ लोगों के राज खुलने वाले हैं और वो लोग फिर जो उनके सपोर्टर हैं वो चुल्लू भर पानी में डूब के मरने वाले हैं। तो चलिए, आज मेरे पास बहुत सारे सबूत आए हैं किस चीज़ को लेकर,
तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको अच्छे से नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल पर न्यू आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और बहुत से लोग बोल रहे हैं कि सिमू में घमंड आ गया, ये आ गया है, वो आ गया है। भाई हमें तो लगता नहीं कहीं घमंड आ गया है, बस वो एक ऐसी लड़की है बिल्कुल फॉरवर्ड, जो जो उसको बोलना है वो मुंह पे बोल देती है, और वही सबसे बेस्ट होता है। अगर कोई कमेंट में भी उसको निगेटिव कमेंट करता है तो वो उसके जवाब भी वहाँ के वहीं दे देती है उसको। तो इसलिए मुझे वो अच्छी लगती है, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि चुप होकर बैठ गई या किसी चीज़ को छुपा लिया, जो कुछ है बिल्कुल फेस टू फेस है, फेस टू फेस बोलती है और फेस टू फेस उनका जवाब दे देती है।